तो बेसिकली हम सभी क्या करते हैं, किसी भी चाइनीज ऐप को जो है वो पकड़ते हैं, उसके बाद अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और इसे सिंपली जो है वो अनइंस्टॉल कर लेते हैं। और इसके बाद हम सोचते हैं कि ये जो ऐप है परमानेंटली अनइंस्टॉल हो गया, और ये ऐप जो है वो कभी भी हमारे फोन में से कोई भी डाटा जो है वो लीक नहीं करेगा, हमारे इंडिया का जो डाटा है वो चाइना में सेंड नहीं करेगा। तो गाइस क्या आपको भी लगता है अगर आप किसी भी ऐप को सिंपली अनइंस्टॉल कर देते हैं तो अनइंस्टॉल करने के बाद वो जो ऐप आपके फोन में से पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो जाता है और आपके फोन में से वो कोई भी डाटा जो है वो लीक नहीं करता, चाहे वो ऐप हो चाइनीज या किसी भी और कंट्री का ऐप। तो मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके के भी ऐप्स होते हैं जो आपको आपके फोन में शो नहीं होते इंस्टॉल होने के बाद और आपको पता भी नहीं लगता कब इंस्टॉल हो जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, आप किसी एक सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हैं और उसके बैकग्राउंड में दो ऐप्स और इंस्टॉल हो रहे होते हैं जो आपको नहीं पता लगता। तो जितने भी ऐप्स जो है वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाते हैं वो आपको आपके फोन की होम स्क्रीन पे नहीं दिखते, आपको उनका लोगो जो है वो नजर नहीं आता, जिसकी मदद से आप जो है उन्हें अनइंस्टॉल कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आपके मोबाइल में कौन कौन से स्पाई चाइनीज एप्स हैं जो कि आपका डेटा अभी भी लीक कर रहे हैं अनइंस्टॉल होने के बाद भी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना ब्राउजर जो है वो चूज कर लेना है, आपके ब्राउजर में जो आरजी डिवाइस की ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद आपको पेज पर स्क्रॉल डाउन करके जो है वो नीचे जाना है, वहां पे आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है, आप जो है वो डाउनलोड पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 15 सेकेंड वेट करना है, जैसे 15 सेकेंड जो है कंप्लीट होंगे आप यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन जो है देखने को मिल जाएगा, तो आप सिंपल उस बटन पे क्लिक करके जो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही इजीली। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे इंस्टॉलर पूछेगा, इंस्टॉलर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद बड़ी आसानी से जो आपका ऐप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सेटिंग्स में जाके अननोन रिसोर्सेज को अलाउ कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक जाना है वेबसाइट पे और फिर से जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा वही सेम प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो ऐप है वो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल स्कैन नाउ पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके फोन में जितने भी चाइनीज ऐप्स जो है वो स्कैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक एग्जेंडर ही बचा हुआ, बाकी सारी चाइनीज ऐप्स जो है मैंने डिलीट कर दिए। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कम चाइनीज ऐप जो है वो यूज करता हूँ। तो आपको सिंपल इस तरीके से अपने फोन में से जो चाइनीज ऐप्स हैं वो फाउंड करके रिमूव कर देनी है। तो सिंपल आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल को मैसेज मिल जाएगा, आपको सिंपल ओके पे जो है वो क्लिक कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने फोन को जो है वो चाइनीज ऐप से क्लियर कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि प्ले स्टोर पे कोई भी जेन्युइन चाइनीज ऐप रिमूवर आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ पॉलिसी के कारण जो गूगल प्ले स्टोर ने जो चाइनीज ऐप रिमूवर जो कि जेन्युइन थे उन्हें जो है प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। तो आप इस ऐप की मदद से जो चाइनीज ऐप को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे कि किस तरह से आपके फोन में जितने भी स्पाई ऐप्स हैं आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और बड़े इजीली डिलीट कर सकते हैं ताकि आपके फोन की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो पाए। तो सिंपली मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके दिखा देता हूँ और आपको यहाँ पे गूगल का एक ऐप सर्च करके दिखा देता हूँ जिसका नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल फाइंड माई डिवाइस एक पॉपुलर ऐप है जो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रखा है क्योंकि अभी मुझे इस ऐप की जो है ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट तरीके से मैंने ये अनइंस्टॉल कर रखा है, ये मेरे फ़ोन में नहीं है। तो अभी ये बात आती है मेन पॉइंट के, जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिंपली डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आप जैसे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड माय डिवाइस और यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव।
यानी कि ये जो ऐप है वैसे बेसिकली ये गूगल का ही ऐप है, इससे डरने की जरूरत नहीं है बेसिकली। पर मैं आपको बता रहा हूँ जो स्पाई ऐप है आप उसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपल डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे आना है और यहाँ पे आपको जितने भी स्पाई ऐप्स हैं वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो स्पाई ऐप्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर पावर लेके बैठे होते हैं। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर पावर के बारे में, अगर किसी भी ऐप के पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इरेज ऑल डाटा, चेंज द लॉक, लॉक द स्क्रीन, डिसेबल सम स्क्रीन लॉक फीचर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, कि आप अपना फ़ोन जो आपने किसी को दिया भी नहीं फिर भी ये जो ऐप आपके फ़ोन का जो लॉक चेंज कर देगा, जिसके बाद आप अपने फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहेंगे। उसके बाद आपका फोन का जो सारा डाटा है वो डिलीट कर देगा या अपने सर्वर पे जो अपलोड कर देगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है स्पाई ऐप्स, आपको सारे स्पाई ऐप्स यहाँ पे मिलेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ इसलिए मेरे पास अभी कोई भी स्पाई ऐप्स नहीं है, लेकिन हाँ ये गूगल का ही एक ऐप है तो इसे भी हमें इतनी ज़्यादा परमिशन जो है वो दे के नहीं रखनी। तो आपको सिंपल यहाँ पे आना है, जितने भी ऐप्स आपको देखें आपको सभी के सभी ऐप्स जो है वो जेन्युइन है या चाइनीज, आपको यहाँ पे सिंपल उसे डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऐप है हमारा इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि अब ये ऐप जो हमारी डिवाइस की कोई भी जो डाटा है वो लीक नहीं करेगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।